Very good afternoon to all of you, dear students. Dear students, in our class 1 NCRT book Maths Magic, till now we have done the shapes around us and the sorting. Do you remember, students? In our last videos, we have completed these two topics together. पढ़ेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे स्टूडेंट वीनिंग ऑफ रोलिंग रोलिंग यानी कि जो रोल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं रोलिंग ऑब्जेक्ट और जो स्लाइड करता है उसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट रोल का मतलब आप सबको मालूम ही होगा अभी नहीं मालूम तो आप यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हैं कि जो आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है दो झूले दिखाई दे रहे हैं राइट और क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको इस पिक्चर में ध्यान से देखिए इन दो पिक्चर्स में आपका एक पार्क ऐसे जाते हैं पार्क में स्लाइडर्स होते हैं वहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं ठीक है थीके? यहाँ पे और क्या दिखाई दे रहा है एक बच्चा ऊपर बैठा हुआ है और नीचे दो बच्चे खेल रहे हैं इन जो दो बच्चे खेल रहे हैं इनके हाथ में बॉल है ये बच्चा जो ऊपर बैठा हुआ है इसके हाथ में एक छोटी सी बॉल जितना मुझे लग रहा है छोटी सी बॉल इसके हाथ में है और साथ ही साथ एक बड़ी फुटबॉल को ये क्या कर रहा है स्लाइडर से नीचे के लिए रोल करवा रहा है तो इसे कहते हैं रोलिंग दिस इज रोलिंग यानी कि जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग जब मूव करता है तो वो रोलिंग कहते हैं उसे रोल कर रहा होता है नेक्स्ट वन इज आप देखेंगे दूसरी पिक्चर में दो बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा जो है वो ऊपर बैठा हुआ है ये जो ऊपर बच्चा बैठा हुआ है ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चे के हाथ में भी एक बॉक्स है ये देखिए ध्यान से देखिए इसके हाथ में भी एक बॉक्स है और एक दूसरे बॉक्स को ये स्लाइडर से क्या कर रहा है झूला झूला रहा है और जब ये जिस तरह से ये जिस तरह से मूव करते हुए नीचे जा रहा है बॉक्स इसे हम लोग कहते हैं स्लाइड करना क्या कहते हैं इसको स्लाइड करना यानी कि सरकना तो रोलिंग और स्लाइडिंग का मतलब होता है रोलिंग मीन्स घूम घूम कर जाना कहा मैंने रोलिंग मीन्स घूम घूम कर जाना और स्लाइडिंग मतलब सरक कर चलना दोनों के दोनों मूवमेंट कोई चीज कैसे चलती है उसके टाइप से तो पहली चीज आएगा रोल कौन करता है स्लाइड कौन करता है तो ध्यान से देखिएगा आप तो आपको समझ में आ जाएगा जो बॉल होती है यानी कि बॉल शेप्स की तरह ही जो शेप्स होती हैं वो सब रोल करती है और बाकी जो शेप होती हैं वो स्लाइड करती हैं क्या करती हैं और स्लाइड करती हैं जिसके क्या होते हैं जो राउंड नहीं होते यानी कि जिसके कॉर्नर्स होते हैं जिसके कोने होते हैं कॉर्नर्स होते हैं वो क्या करता है स्लाइड करता है मैंने फिर से बता दिया आपको स्लाइड कौन करता है जिसके कॉर्नर्स होते हैं और जिन ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर्स होते हैं वो स्लाइड करते हैं और जिन जो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल राउंड शेप की होती है वो ऑब्जेक्ट क्या करती है रोल करती है ठीक है अब ध्यान से देखेंगे उसी के बेस्ड में आपकी एक्सरसाइजेस हैं। देखिए टिक द ऑब्जेक्ट दैट

यानी कि इसके कॉर्नर्स आप ध्यान से देखेंगे इसके कोने है ना जिस पे जिसके तो कोने होंगे वो क्या करेगा स्लाइड करेगा यानी कि ये रोल नहीं करेगा हमें सिर्फ उसी को टिक करना है है जो रोल करेगा ये आपको दिख रहा होगा फ्रूट फिक या फिर आप इस अनियन मान सकते हैं अनियन तो अनियन भी राउंड शेप का है तो यस ये भी रोल करेगा आप चाहे तो प्रैक्टिकली घर में देख सकते हैं अनियन को रोल करा के अनियन आपने देखा होगा अगर पॉलीथीन फट जाए तो किस तरीके से एक जगह में गिरने के बाद अनियन जो है रोल हो हो के हो के हो के कोने से दूसरे कॉर्नर में चला जाता है तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रोल करेगा करेगा नेक्स्ट वन द दैट विल स्लाइड स्लाइड कौन करेंगा? जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड कौन करता है जिसके कोने होते हैं इसके कोने नहीं है इसके भी कोने नहीं है इसके भी कॉर्नर्स नहीं है कॉर्नर वाला है सिर्फ ये यानी कि हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को यानी कि सूटकेस को ही टिक करेंगे सिर्फ सूटकेस ऐसा है जो कि स्लाइड करेगा तो देखिए स्टूडेंट्स अब मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल यहाँ पर बनाई हुई है इस टॉबुल का मतलब कि आपको इस टेबल में एक रोल ओनली जो सिर्फ रोल करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो सिर्फ स्लाइड करते हैं वो ऑब्जेक्ट लिखने हैं अब इसमें एक नई कैटेगरी मैंने इसमेंट की वो है जो रोल भी करते हैं और स्लाइड भी करते हैं यानी कि दोनों अब कैसे मालूम चलेगा आपको देखिए ध्यान से जो रोल ओनली जो सिर्फ रोल कौन करेगा देखिए जो स्पेयर शेप हो गया यानी कि राउंड शेप राउंड मतलब हर तरह के हर एंगल से राउंड यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं स्पेयर शेप्स वो रोल ओनली वो सिर्फ रोल करती है स्लाइड कौन करती है जिसके की कॉर्नर्स होते हैं हैविंग कॉर्नर्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके की कॉर्नर्स होते हैं जैसे कि ट्रायंगल शेप इनके कॉर्नर्स होते हैं ना कॉर्नर्स मीनस कोना है ना जो चुपता है आप लोगों को कोना बिल्कुल जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये कार्डबोर्ड का कोना दैट इज स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स क्यूब या क्यूबॉइट ये सब बॉक्सेस ये सब क्या होते हैं कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट ये करते हैं स्लाइड ओनली रोल एंड स्लाइड बोथ जो रोल भी करते हैं स्लाइड भी करते हैं यानी कि जिनकी सर्कल शेप होती है आपको बताया था बेटा मैंने सर्कल और स्पेयर में डिफरेंस होता है स्पेयर इज डिफरेंट थिंग एंड सर्कल इज डिफरेंट थिंग नेक्स्ट होता है सिलेंडर जो कि सिलेंडर शेप में होता है वो भी रोल एंड स्लाइड दोनों करता है तो रोल उन्नी में आ जाएगा आपका पहला लिखा है मैंने बॉल इसके अलावा आ जाएगा आपका फुटबॉल यानी कि जो बड़ी होती है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सारी भी टाइप की बॉल्स इसमें आ जाएंगी इसके अलावा भी जितनी भी राउंडेड शेप फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आप मान के चलिए वाटर हो गया है ना, पपाया हो गया ये ये क्या हो गया सबके सब रोल ओनली किसमें आ गए रोल ओनली आपका अनियन हो गया पोटैटो हो गया तो ये मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लिख लिए हैं आप अपने हिसाब से और भी सोच लीजिएगा कि रोल सिर्फ कौन करता है नेक्स्ट आएगा स्लाइड ओनली स्लाइड ओनली में किसी कुछ भी लिख सकते हैं आपके घर की हर एक चीज स्लाइड ही मैक्सिमम रूप से स्लाइड में ही आएगी जैसे कि टेबल चेयर बेड को भी तो हम स्लाइड करके रखते हैं ना डोर मतलब एक डोर अलग से है ना और अलमीरा हो गया ये सब चीजें जो हो गई इसमें ये है स्लाइड ओनली लास्ट आता है रोल एंड स्लाइड बोथ जो कि दोनों करते हैं जैसे कि पेंसिल या फिर पेन पेंसिल या फिर पेन जैसे मैंने आपको दिखाया ये देखिए रोल एंड स्लाइड का मतलब ये देखिए अभी रोल कर रहा है ये मैंने रखा ही देखो रोल कर रहा है और ये स्लाइड कैसे करेगा यहाँ पे रखा हुआ है और अगर मुझे इसे यहाँ लाना है अपने पास तक तो मुझे इसे ऐसे खींचना पड़ेगा तो इसे क्या करना पड़ेगा खींचूंगी जब मैं इसे तो ये स्लाइड होके आ रहा है देखिए स्लाइड होके आ रहा है ना मेरे पास तो इसे कहते हैं हम रोल एंड स्लाइड बोथ क्योंकि ये सब सिलेंडर ध्यान से देखिएगा इन सबकी सिलेंडर शेप है राइट तो पेंसिल या फिर पेन हो गया इसके अलावा आप मान के चल सकते हैं आपकी बैटरी बैटरी यानी कि सेल आपने देखा होगा बैटरी यानी कि सेल जो कि रिमोट के अंदर या फिर क्लॉक्स के अंदर होता है है ना दूसरा हो गया कुछ फ्रूट्स की अगर मैं बात करूंगी वेजिटेबल्स की बात करूंगी तो लाइक कोकुम्बर खीरा है ना नेक्स्ट आ गया रेडिश मूली कैरेट गाजर ये सब हो गए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ध्यान से देखिएगा सबके सबकी शेप कैसी है सिलेंडर शेप है तो सिलेंडर शेप वाले सब रोल एंड स्लाइड दोनों करते हैं इसके अलावा सर्कल वाले शेप भी होते हैं जैसे कि कॉइन कॉइन को आप ध्यान से देखिएगा कॉइन को अगर आप खड़ा करके रखेंगे तो वो रोल करेगा और लेटा के रखेंगे तो स्लाइड करेगा है ना और इसके अलावा आ जाएगा आपके पास टायर टायर ऑल्सो सर्कल, सर्कल सब सर्कल ऑब्जेक्ट जो कि रोल एंड स्लाइड दोनों करेगा चलिए बेटा आई होप आप सबको ये समझ में आ गया हो रोल स्लाइड और तीसरी कैटेगरी होती है रोल एंड स्लाइड बोथ चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शेप्स शेप्स आपको पता होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको समझाया हुआ है शेप्स के बारे में पूरा किया हुआ है तो अभी है मैचिंग मैचिंग मैच द शेप्स ऑफ सेम साइजेस ध्यान रखिएगा शेप तो एक जैसी है ट्रायंगल ही दिख रहा होगा आपको हर जगह लेकिन कोई सीधा ट्रायंगल टेढ़ा ट्रायंगल एटा हुआ ट्रायंगल बैठा हुआ ट्रायंगल है ना तो बस आपको इनका साइज का ध्यान रखना है सेम साइजेस वालों को ही मैच करना है देखिए एक तो उन्होंने मैच करके दिखा दिया इसका और इसका साइज एक जैसा है ठीक है अब ध्यान से देखिएगा दूसरा नंबर का, का ट्रैंगल हमें ये दिख रहा है बिल्कुल इसी की साइज का बिल्कुल इसी की साइज का दूसरा ट्रायंगल तो देखो ट्रैंगल ज्यादा छोटा हो गया ठीक है दूसरा एक ये है एक ये वाला है तो ध्यान से देखिएगा ये तो बड़ा ये तो यूज हो चुका है मैच हो गया ये तो काफी बड़ा है तो ध्यान से देखना इसमें और इस वाले में कौन इसकी साइज के इक्वल है देखिए बेटा ध्यान से देखो आप लोग

जो सबसे छोटा वाला है उसका साइज इस छोटे वाले के बिल्कुल इक्वल है तो आपने इस कर दी की मैचिंग देखिए नेक्स्ट थिंग जो इसमें आती है वो है मैच द सेम शेप्स एक जैसी जो बिल्कुल एक दूसरे के सेम आइडेंटिकल है उन्हीं शेप्स को मैच करना है तो और भी आसान हो गया ये कौन सी शेप है बताइए बेटा ये सर्कल सर्कल को मिलाएंगे हम लोग सर्कल से दिस वन इज वैसे ये है रोम्बस से कौन सी शेप है ये रोम्बस देखने में तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्वायर लग रही होगी बट दिस इज रोम्बस शेप तो आप इस रोम्बस शेप को किससे मैचिंग करेंगे इसकी इससे बट अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर से देखो रॉम्बस दिखेगा बट ऐसे में देखोगे आप तो अगर आपको बेटा इसकी चारों साइड इक्वल दिख रही है तब तो ये रोम्बस हो गया ठीक है क्योंकि टेढ़ा स्क्वायर है बट अगर आपको दिख रहा है कि इसकी दो लेंथ जो है, है ट्राइंगल तो को हम ट्राइंगल से, से मैच करेंगे रेक्टेंगल रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल से मैच हो चुका है ये देखिए सेमी सर्कल सेमी सर्कल को हम ये रहा सेमी सर्कल से मैच कराएंगे लास्ट आता है उसके बाद आप इसमें वन टू थ्री फोर फाइव साइड यानी कि पेंटागन पेंटागन को कराएंगे हम पेंटागन से मैच नेक्स्ट थिंग इज कलर द स्मॉलेस्ट शेप इन में जो सबसे स्मॉलेस्ट है हर कैटेगरी में उसको कलर करना है जैसे इन तीनों में सबसे छोटा स्क्वायर कौन सा है ये वाला तो आपने इसे कलर करना है ये कौन सी शेप है सर्कल सबसे छोटा सर्कल है ये वाला इसको कलर कर दीजिएगा ये ट्रायंगल शेप है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी दिख रही है आपको दिस वन इसको कलर करना है ठीक है नेक्स्ट इज पेंटागन क्योंकि इसकी फाइव साइड्स है तो पेंटागन पेंटागन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है ये वाला इसको आप लोग कलर करेंगे नेक्स्ट इज ज्वाइन सिमिलर शेप्स देखिए इतनी सारी शेप्स को ज्वाइनिंग कैसे ढूंढनी है बहुत आसान तरीका है मैं आपको समझाती हूँ बेटा ये देखिए इसमें क्या दिख रहा होगा अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग ट्राइंगल दिख रहा है है ना अब एक इस एक ये कार्टून सा बना एक जोकर सा बनाया हुआ है जिसका जो फेस है वो ट्राइंगल शेप का है और जो इसके दो ईयर्स हैं वो सर्कल शेप के हैं दिख रहा होगा आपको ये देखिए इसका फेस है ट्रायंगल और ईयर्स है सर्कल तो बिल्कुल हम देखते हैं कहां पर ऐसी पिक्चर है जिसका ट्रायंगल शेप जिसका फेस ट्रायंगल हो इसका फेस नहीं है ट्रायंगल यस मिल गया यस इसका फेस भी ट्रायंगल है इसके ईयर्स भी सर्कल है तो इसको कर देंगे हम इससे मैच नेक्स्ट वन ये दिख रहा है आपको इसका फेस कैसा है सर्कल ठीक है और साथ ही साथ इसका हेड जो है इसके हेयर समझो हेड समझो ये कैसे है ट्रेंगल. तो फेस सर्कल और हेड ट्रायंगल कहाँ पर है देखो ध्यान से जहां पर फेस सर्कल दिख रहा हो यस देखो फेस सर्कल है और हेड ट्रायंगल है और दोनों कान जो है वो भी सर्कल है बिल्कुल इसी की तरह एक एक चीज मैच करनी है बेटा आपको इसको इससे मैच करा दिया नेक्स्ट थिंग हम इसको देखते हैं देखिए इसका जो हेड है वो ट्रायंगल है और जो इसका फेस है जहां पे इसकी आईज नोज माउथ बने हुए हैं ये है सिलेंडर शेप तो जहां पर आपको सिलेंडर वाला फेस दिखाई देगा और हेड में ट्रायंगल उसको मैच कर दीजिए कहां पर है यस ये हो गई मैचिंग ईजी है ना बेटा आसान चलिए तो आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरी वन बाय घर में रहिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए और यस डिस्टेंस सबसे अभी बना के रहिए कोरोना खत्म नहीं हुआ है बाय बाय